नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करेंगे खबरों की, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सांसद खेल महोत्सव के बारे में, जिसको लेकर की तैयारियां शुरू हो रही हैं और 12-13 मार्च को सांसद खेल महोत्सव होगा। आपको बता दें कि 12-13 मार्च को फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मैराथन दौड़ कार्यक्रम में हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है। पिछली बार भी काफी युवा बच्चों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी बढ़ चढ़ कर लोकसभा क्षेत्र के युवा बच्चे इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एसडीएम साहब और सभी इस शहर के नौजवान साथी, बेटा बेटी, सभी अधिकारी, कोच, असल नदी खेल नीति का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। यहां 35 लाख पॉपुलेशन का यह शहर, इस शहर में कोने हर कोने में कोई ना कोई कार्यक्रम होने चाहिए। कहीं सांसद निधि खेल नीति है, कोई दूसरी विधायक नीति के तहत है, या कोई उद्योग जगत से है, या शिक्षा के क्षेत्र से है। इस तरह कार्यक्रम हम सब लोगों को इसलिए करने चाहिए, एक तो इसके प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हम सब लोग जागरूक होंगे, और एक क्या है कि दिनचर्या को ये संदेश है, तो हम सब लोग इस पर काम करेंगे। हम सारे साथी हैं। प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पिछले सालों से पूरे देश में इस तरह के आयोजन सांसद खेल महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 2022 और इस बार दूसरा 2023 में सांसद खेल महोत्सव 10, 11, 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है, और इस बार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लें। उसी उपलक्ष्य में आज 12 सेक्टर इंडोर स्टेडियम में